पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत ततमा टोली में आपसी विवाद को लेकर विनोद मंडल, ललिता देवी एवं राजेश मंडल, महेश मंडल, अमित कुमार, बेचन दास के बीच तुतु मैमे के बाद मारपीट हो गई, किंतु शिकायत करने पर भी पुलिस ने आवेदन नहीं लिया, जिसके कारण आवेदक को पूर्णिया एसपी कार्यालय में शिकायत करनी पड़ी और वहां से जब थाना में फोन भी किया गया तब भी आवेदन थाना में नहीं लिया जा रहा था और केवल आवेदन लेने के लिए आवेदक को काफी मशक्कत करनी पड़ी। जरा सोचिए कि जब आवेदन लेने के लिए पुलिस आवेदक को इतना परेशान करती है तो न्याय लेने के लिए पुलिस के साथ कितनी मशक्कत करनी पड़ सकती है। सर जो है ना परेशान कर रहा है, दारू पीती क्या करते हैं कि हमको पैसा दो, तुम शोरूम में काम करते हो, तुम कमाते हो, हमको भी पैसा दो दारू पीने का, नहीं तो तुमको मारेंगे, गाड़ी भी छीन लेंगे। कल रात में ठकुरबारी पर रोक दिया था, 4-5 लड़का मिल गया, राजेश मंडल जो है, उसके बाद हम उसको कल 5-6 दिन पहले बताएं कि हम पैसा वैसा नहीं है मेरे पास, मेरा मालिक यहाँ नहीं है, बाहर में है, हाँ तुमको किस बात का पैसा देंगे, नहीं पैसा तुमको देना पड़ेगा, दारू पिलाना पड़ेगा, हम बोले नहीं देंगे। तो 3-4 दिन का बाद फिर कल रात में मेरे घर पे आया ये राजेश दास, इसका बेचन मंडल और क्या अमित कुमार वो, इसका बाप जो है महेश मंडल, चारों मिल के मेरी बेटी है 12-13 साल की, उसको भी मारा है और हम खाना खा रहे थे, 12 ईंटा फेंक दिया ऐसा नसर कि मेरी छोटी बेटी को लगा है। उसके बाद जब हम निकले तो इनको भी मारा है, उसके बाद हमको भी जो छनोटा लेकर के लोहा लेकर के मारने के लिए दौड़ा पूरा। तो हम लोग सुबह एसपी साहब के यहाँ भी आए हैं तो यहाँ से नहीं सुना, फिर वहाँ मरंगा थाना भेजा, वहाँ गए तो वो बोलते हैं हमको कोई फ़ोन तो नहीं आया, फिर वहाँ जाइए एसपी जनता दरबार में, हम लोग सर फिर अभी यहाँ पे आए हैं। तो आप लोगों का वो क्योंकि मेरे पति से पैसा मांगने कल कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं कि पैसा दो दारू पियेंगे। क्यों पहले पैसा उसका दिए हैं आप लोग कभी? नहीं हमने दिए हैं कभी, जबरदस्ती पी खा लिया है ना, तो पी खा के इसलिए जबरदस्ती करता है कि हमको पैसा दो 10 रोज से। कल तो गाड़ी भी छीन छान करने लगा था रास्ता में, जब इन्हें दिए तो रात में जो है बड़ा सा ईंटा फेंक के घर पे फेंक दिया, तो बेटी को भी लगता बच गया थोड़ा सा के लिए, उसके बाद बोलने लगा कि विनोद को निकालो विनोद को निकालो, तो उसके बाद इन्हें सोए हुए थे तो हम निकले तो हमारे साथ गंदा गंदा गाली उली बकने लगा, उसके बाद बेटी निकली तो उसको भी गाली उली बकने लगा, मारपीट हाथ उठ चला दिया। दरबार में आए हुए थे तो लेडीज दीदी थी पुलिस, तो बोले क्या कि अभी एसपी साहब बिजी हैं तो बाद में हम वहाँ मरंगा में फ़ोन कर दिए हैं, आप जाइए वहाँ पे दीजिए। वहाँ पे गए तो वहाँ पे सर बोले क्या कि नहीं यहाँ पे कोई फ़ोन नहीं आया है, आप जाइए एसपी साहब के यहाँ जनता दरबार में दीजिए। तो फिर यहाँ आए, यहाँ पे फिर आए तो फिर बोलती है दीदी कि नहीं वहाँ पे जाइए, हम फ़ोन कर दिए हैं। तो क्या आप इसी बीच में खाली यहाँ से वहाँ से यहाँ दौड़? हाँ दौड़ रहे हैं तो सवेरे से।